नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनको नज़र लगी है, या जिनकी सेहत ख़राब रहती है और उनको लगता है कि उनकी सेहत पर किसी की नज़र लगी है, या जिनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चों पर किसी की नज़र लगी है, उनके काम काज पर किसी की नज़र लगी है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका काम, इतने साल हो गए हैं उनका काम नहीं ठीक हो रहा है, उनकी सेहत नहीं ठीक हो रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं ठीक हो रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उनके मन में ये डाउट आ जाता है कि उनको किसी की नज़र लग गई है या किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसे उनके मन में डाउट आ जाते हैं। आज दो तरीके के ऐसे उपाय हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी, जिनसे तो एक आपका डाउट भी क्लियर होगा कि नज़र लगी है या नहीं लगी, या लगी है तो कितनी लगी है। एक उपाय तो उन लोगों के लिए है, और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनको ये पता ही है या जिनको ये लगता है कि हाँ उन्हें नज़र ही लगी है, और ये ज़्यादातर मतलब बच्चों की सेहत को लेकर या बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो ये सोच तो लेते हैं कि नज़र लगी है, पर वो डाउट में रहते हैं कि हाँ हमारी सेहत ठीक नहीं हो रही है, पर क्या हमें नज़र लगी है या हमें नज़र नहीं लगी, वो इस डाउट में रहते हैं। कईयों का काम काज इतने सालों तक नहीं चलता, वो बहुत मेहनत करते हैं पर उनका काम नहीं चल रहा होता, तो वो भी ऐसे डाउट में रहते हैं कि उनको नज़र लगी है या उनको नज़र नहीं लगी है, वो श्योर ही नहीं कर पाते। या कई लोग इन चीज़ों को मानते ही नहीं है या मानना ही नहीं चाहते, वो इनमें नहीं फंसना चाहते कि हाँ हमें नज़र लगी है, या वो इन चीज़ों से भागते रहते हैं कि नहीं हमें कैसे नज़र लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक उपाय तो इन चीज़ों के लिए ही है कि जो आपको ये श्योरिटी दे देगा कि हाँ आपको नज़र लगी है, और ये भी पता लग जाएगा कि आपको कितनी नज़र लगी है। नज़र भी कोई एक तरीके की नहीं होती है कि हाँ आपको नज़र लगी है तो वो ज़्यादा ही होगी, कईयों को थोड़ी नज़र लगती है, कईयों की नज़र ऐसी होती है कि वो बहुत आगे तक, बहुत सालों तक चलती रहती है, हटती नहीं है, वो ऐसी नज़रें भी कई होती हैं। तो मैं ये ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे एक तो श्योरिटी मिले कि नज़र लगी है, कितनी लगी है, और एक दूसरा उपाय ये है कि जिनको ये पता ही है कि हाँ उनके बच्चों को नज़र लगती रहती है या छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हो, तो उनको ये लगता है कि नहीं हाँ इसे नज़र लगी है, तो ये एक दूसरा उपाय होगा जो कि ऐसा होगा। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग हो जिसको डाउट हो अपने ऊपर कि हाँ मुझे नज़र लगी है, या उनको अपने परिवार में से किसी पर डाउट हो कि हाँ मेरे बच्चों को लगी है, मेरे हस्बैंड को लगी है, मेरी वाइफ को लगी है, तो ये उपाय कोई भी कर सकता है। ये उपाय आप अपने बच्चों पर भी कर सकते हैं, अपने आप पर भी कर सकते हैं, आप किसी पर भी कर सकते हैं। यह उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, इसमें एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये उपाय आप खुद पर नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको अपनी खुद की ही मतलब नज़र उतारनी हो, तो आप या अपने मम्मी को या पापा को या बहन भाई जिसको मर्जी बुला के उससे उतरवाइए, ये आप खुद नहीं उतार सकते। पहला ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो आपको करना क्या है, अगर आपको तो अपनी नज़र उतारनी है, फिर तो मतलब ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा कि हाँ मेरी नज़र आप उतार दो। आप घर ऑब्वियसली घर के किसी सदस्य को बुलाएं जिनको जिनको आप ये बात शेयर कर सके कि हाँ मुझे अपनी नज़र उतारनी है। तो और अगर किसी दूसरे की उतारनी हो तो फिर आप तो उतार ही सकते हैं उसकी नज़र। आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपको अपनी खुद की नज़र उतारनी है, तो आपको सीधा खड़े हो जाना है बिना चप्पल के, आपको चप्पल नहीं डालनी है, याद रखना, आपको सीधा खड़े हो जाना है। कोशिश करना कि आप अगर अपने घर की छत में जा सके तो ज़्यादा बेटर है, अपनी घर की छत में चले जाएं, घर के रूम में कहीं ना करें, बाहर गली में चले जाएं, या बेटर है आप छत में जाएं, अपने घर की छत में चले जाएं, और बिना चप्पलों के, बिना चप्पल के आप खड़े हो जाएं, और सामने आप अपने हस्बैंड, बहन भाई, किसी को भी बुला लें। आपको क्या करना है, एक आपने कॉटन लेनी है, माचिस की डब्बी लेनी है, और सरसों का तेल लेना है।
और एक कटोरी लेनी है। आपने क्या, बहुत सिंपल उपाय है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, मतलब आपके साथ वाले पर्सन ने क्या करना है, कॉटन लेनी है। कॉटन को सरसों के तेल में अच्छे से भिगो कर, कटोरी में सरसों का तेल डाल लें और कॉटन को सरसों के तेल में अच्छे से भिगो कर, जो आपकी छत की बन्नी होती है, जो कि साइड रूफ होती है, छत की बन्नी होती है, उसमें आपने कॉटन को अच्छे सरसों के तेल में भिगो के साइड की बन्नी को बाहर की तरफ, या मतलब जहाँ पे नीचे गिर सके, उसके जो बत्तियाँ गिरती हैं वो नीचे गिर सके, वहाँ पर आपने रुई को सरसों के तेल में भिगो कर पहले आपने जिस पर्सन की नज़र उतारनी है उसको क्लॉकवाइज 7 बार उसके सर के ऊपर से फेरना है। मैं आपको फिर बताती हूँ। आपने कॉटन लेनी है, सरसों के तेल में अच्छे से भिगो कर उसे जिस पर्सन की आपने नज़र उतारनी है तो उसको सर से क्लॉकवाइज 7 बार फेर कर अपने छत की बन्नी में रख देना है। आपने मतलब इस तरह सीधे सीधे तरीके से, जैसे ये बन्नी है तो आपने ऐसे कॉटन सीधे तरीके से रखनी है। तो वो रख कर आपने नीचे से, ऐसे आपने कॉटन रखी यहाँ पर, नीचे से आपने माचिस जला देनी है। तो जैसे ही वो जल जाएगी तो आप ये देखें कि उसके जो, मतलब जब आप जलाएंगे तो उसके नीचे जो गिरते हैं, जो आग सी गिरती है छोटी छोटी बूंदें, वो आपने नोट करनी है। अगर तो वो बूंदें बहुत धीरे धीरे और बहुत थोड़ी थोड़ी गिर रही है, तो मतलब आपको बहुत कम नज़र लगी है। और अगर तो वो बूंदें बहुत ही स्पीड में गिर रही है और आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्पेशली आप इस बात पर ध्यान देना कि अगर वो बूंदें बहुत स्लो स्लो गिर रही हैं तो आपको मतलब बहुत कम नज़र लगी है। अगर तो आवाज़ नहीं आ रही है और बूंदें भी बहुत ही स्लो, बिल्कुल 1 मिनट बाद, हल्की हल्की सेकंड बाद गिर रही है और आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आप टेंशन फ्री रहना, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं लगी। और दूसरे नंबर पे ये आएगा कि आपकी थोड़ी 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 बूंदें गिर रही है और हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, मतलब आपको थोड़ी नज़र लगी है। और थर्ड नंबर पे वो आएगा जब बूंदे एकदम फास्ट गिर रही है और आपको अच्छे से उसकी आवाज़ कानों में सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत तेज़ नज़र लगी है और बहुत पहले की लगती आ रही है वो नज़र, और वो बहुत तेज़ असर कर रही है। ये 3 ऐसी चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको नज़र लगी है। एक तो इससे आपको पता लगेगा कि आपको नज़र लगी है, और इसका प्लस बेनिफिट ये होगा कि ये करने से जो भी आपकी नज़र लगी होगी वो उसी टाइम उतर जाएगी। जब आप ये उपाय करेंगे, एक तो आपको पता लगेगा कि कितनी नज़र लगी है, और जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपकी पूरी जितने भी सालों पुरानी नज़र हो, या चाहे अब की नज़र हो, थोड़ी नज़र हो, ज़्यादा नज़र हो, वो पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरे तरीके से आपकी नज़र उतर जाएगी, पूरे तरीके से हट जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना उसके बाद। तो ये पहला उपाय है जो बहुत असरदार होगा, इसका आप ध्यान ज़रूर रखना, और ये ज़रूर करना, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा उपाय ये है कि जिनको ये लगता ही है, जिनको ये पता ही है कि हाँ उनको नज़र लगती ही रहती है, और स्पेशली बच्चों के लिए जिनको लगता है कि बच्चों की पढ़ाई पर या बच्चों की सेहत पर नज़र रखी है, तो ये उससे भी इजी उपाय है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक तांबे की गड़वी लेनी है, छोटी छोटी तांबे की गड़वी लेनी है, उसमें आधा आधी गड़वी पानी, पूरा ना भरना पानी की गड़वी को, आधा आधी गड़वी भरनी है पानी की, और उसमें आपने थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ा सा नमक डालना है। बस ये डालकर आपने किसी भी, मतलब अगर आपको बच्चे पे लगता है या खुद पर भी लगता है, ये उपाय आप खुद पर भी कर सकते हैं या आप किसी और पर भी कर सकते हैं। पहला उपाय आप खुद पर नहीं कर सकते थे, वो किसी और से आपको करवाना पड़ना था, ये उपाय आप खुद पर भी कर सकते हैं और आप दूसरों पर भी कर सकते हैं। ये उपाय में आपको क्या करना है, गड़वी में पानी डालना है, आधी चाय पत्ती डालनी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक डालना है, और इसी गड़वी के पानी को आपने अपने सर के ऊपर से या किसी और के सर के ऊपर से, जिसको आपको लगता है नज़र लगी हो, 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है, और मतलब ऐसे फेरना है, और फेरने के बाद इसको आपने अपने घर से दूर कहीं जाकर फेंक देना है। बस आपने सिर्फ इतना करना है, और इससे आपकी पूरी तरीके से नज़र उतर जाएगी। जिनको ये पक्का पता है कि हाँ उनकी लगी है नज़र, तो ये उतर जाएगी अच्छे से।
ये सिर्फ दो उपाय हैं जो 100% इफेक्टिव हैं और आपको पूरे तरीके से असर ये देंगे ही देंगे। तो इन दोनों उपाय से आप अच्छे से जान सकते हैं कि आपको नज़र लगी है, कितनी लगी है, ज़्यादा लगी है, कम लगी है, या जिनको ये लगता है कि उनको नज़र लगती रहती है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, आपको 100% इसमें मतलब रिजल्ट मिलेगा, आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा ज़रूर। और आप ये आगे भी, अगर आपको लगता है कि आपके कोई रिलेटिव है या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो उनको भी ये ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी, आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाएंगे, तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।